मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सावजी चिकन करी और मेरे साथ में है मेरी सिस्टर इन लॉ श्रुति। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सावजी चिकन बनाने के लिए हमें ये खड़ा मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। आधा कटोरी हमने साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच हमने पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, 2 तेजपान लिए हैं, 8-10 हमें लौंग लगेगी, 4-5 हमें इलायची लगेगी, 1 बड़ी इलायची लगेगी, 1 इंच का टुकड़ा हमें दालचीनी का लगेगा और 1 थोड़ा सा हमें दगड़ फूल लगेगा और ड्राई कोकोनट है 2 इंच का टुकड़ा और 1/2 चम्मच हमें काली मिर्च और 1 स्टार फूल लिया है और 1 जावित्री है थोड़ी ही लगेगी और 1/2 किलो हमने चिकन लिया है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 गाठी लहसुन, जीरा और 2 बड़े प्याज और ये बाजरे का आटा है 1 चम्मच लगेगा, 1 काला मसाला है और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। काला मसाला का हमने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं, इसलिए 1 चम्मच हम तेल डालेंगे, 1.5 चम्मच और उसमें हम चिकन डालेंगे, हम उसमें चिकन डालेंगे। इसे अच्छी तरह से हम ऐसे भून लेंगे तेल में। अब इसमें हल्दी पाउडर और प्याज, एक 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। 2 मिनट हम इसे होने देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं पानी, 3 ग्लास पानी डाला है। और थोड़ा सा डालते हैं, इसे बड़ा गैस करके इसे अच्छे से 25 मिनट्स हम इसे होने देंगे। सबसे पहले हम धनिया भून लेते हैं, थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। और इसके साथ ही खसखस को भी डाल देंगे। अच्छे से जब तड़तड़ाने लगेगी तब हम इसे निकाल देंगे। अभी ये तड़तड़ाने लगी है, निकाल लेते हैं। अब हम ड्राई कोकोनट, इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। और इसी में हम सारे खड़े मसाले भी डाल देंगे। ज़्यादा भुनना नहीं है, 1-2 मिनट हम इसे भुनेंगे और बस हम इसे निकाल देंगे। अभी हम ये मसाले सब पीस लेते हैं। अब प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें 1 चम्मच और अच्छे से इसे ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बाजरे का आटा डाला है और अब थोड़ा सा भून लेते हैं और अभी निकाल लेते हैं। गैस में बंद कर रही हूँ, इसे निकाल लेते हैं और मिक्सी में पीस लेते हैं। हमारा मसाला पीस के रेडी है, अभी हम इसे फ्राई करते हैं। इसमें अच्छे से 3-4 चम्मच आप तेल डालिए,
तेल में कोई कंजूसी ना करें, अभी से होने देते हैं गरम। अभी हम इसमें प्याज, प्याज की जो पेस्ट बनाई थी वो डाल रहे हैं, और अदरक लहसुन की पेस्ट। इसे अच्छे से भूनना है। अब इसमें ड्राई मसाले, इसे भी अच्छे से हम तेल में होने देते हैं। अब मैं गैस बढ़ा कर रही हूँ। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, दो ढाई चम्मच आप मिर्ची पाउडर डालिए। मैं गैस कम कर रही हूँ और स्वादानुसार नमक। अब हम इसे ऐसे तेल छूटने लगेगा तब तक हम इसे भूनेंगे। अभी हम इसे चेक करते हैं। ये अच्छे से हो गया है, अच्छे से हो गया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं। अभी हमारा मसाला भी अच्छे से हो गया है, इसे डाल देते हैं। अभी इस मसाले में एक दो मिनट हम इसे रहने देते हैं, पकाते हैं, और बाद में पानी डाल देंगे। और आराम से अभी तेल बाहर आना शुरू हो गया है। दो मिनट हमने ढक्कन रख के इसे पकाया था, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और होने देंगे इसे अच्छे से। और ढक्कन लगा के इसे और होने देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने और बॉईल करके रखा है पानी, उसे भी डाल देते हैं। गैस में बड़ा कर रही हूँ। ये देसी चिकन था, हमने 30 मिनट्स तक इसे उबाला है। गैस मेरा बड़ा है, अभी इसे होने देते हैं, बॉईल आने देते हैं। इसे हमारा चिकन सॉफ्ट हो गया है। वाओ, मस्त हो गया है। और इसे दो मिनट अभी और रखते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच काला मसाला, वाव मस्त हो गई है। अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल के सर्व करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।